है मेरी, राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। भाई अंदर इतनी भीड़ है, इतनी बस एक्सप्लेन करना मुश्किल है। अड़क रहे कैमरे ने, हाँ भाई मैं वो तो अड़क कट जाऊँगा। मैं आज लगातार 6-7 दिन के जो प्रोग्राम है, सबसे भारी प्रोग्राम उचाना मैं देवेंद्र अत्री जी ने कर रखा है प्रोग्राम। झूठ नहीं बोला करता, बस तेरे बालक अड़के आने ये जानी होंगे उन्होंने, बेरा भी होगा कितना ठाठा, कितना भारी प्रोग्राम है। देवेंद्र भाजी ऐसे मिलने वाले मिल गए भाजी, राम राम भाजी, कैसे आप? कर लो अगर बात करनी हो तो कोई बात नहीं। अच्छा भाई साहब, इतना ठाठा प्रोग्राम कुकर करा। माननीय मुख्यमंत्री जी की नीतियों से लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, खुश हैं, और लोग अपने भविष्य को देख रहे हैं युवा साथी भारतीय जनता पार्टी में। मैं आपसे एक दो बार और मिला, और मैं जब पूछा करता टिकट की तैयारी चली, अब जब ना टैग देना ना टिकट, मैं तो खा लूंगा, अब क्या लग रहा है, अब क्या? देखिए ये मामला संगठन और भारतीय जनता पार्टी का मामला आंतरिक सबके तो रही है, जो अब कहते हैं मतलब सबने बिठा के एक मीटिंग करते हैं, जाके कहते हैं योग का बात कहनी है सबने, ऐसा कुछ ना ना ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा मामला बिल्कुल बिल्कुल, हम डिसिप्लिन लोग हैं और डिसिप्लिन में रह के ही बात करते हैं। बिल्कुल, देखो भाजपा है तो डिसिप्लिन, ये तो मैं मानता हूँ। तो अब लग क्या रहा है, खट्टर साहब ने कुछ आइडिया कुछ एंट दी है भाई? हाँ देवेंद्र ले तू टिकट। ऐसा कुछ नहीं है, हमने तो माननीय मनोहर लाल जी के लिए जो व्यवस्था की है, अब लोगों सैलाब उमड़ा है, उसके लिए मैं तय दिल से लोगों का शुक्रगुजार हूँ। तो क्या लगा है अब फ्यूचर 75 पार क्या करते हैं, 85 पार को? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमें 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 बिल्कुल विश्वास है कि हम 85 पार जाएंगे। 5 सीट कौन सी आरएसएस को? वो देखो देखो फ्यूचर है, वो फ्यूचर में कोई नहीं, इलेक्शन घने दूर है, वो 90 भी प्लस होंगे, 85 प्लस, हम 80 पार के, हम 80 पार का दावा कर रहे हैं, 80 पार है जी। तो उचाना का क्या कुछ मतलब सस्पेंस ना तो क्लियर कर दो ना, क्या कुछ? बिल्कुल नहीं, ये पार्टी और संगठन का बिल्कुल नहीं क्लियर करोगे तो लोगों का प्यार इस हल्के में आप घूमे हो? बिल्कुल, घूमने से ही ये सब व्यवस्था, ये सब लोग घूमने से ही हुए। अच्छा जी, मेहनत से होते हैं सब, हर चीज, कोई भी कार्य मेहनत से होता है और मेहनत से ही सफल होता है जी। मैंने पूरा समय लगाया हल्के में। अच्छा जी, और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता अभियान में भी मैंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। अच्छा जी, जी। अच्छा एक बात बताओ, उचाना में किस चीज की कमी है, जो कमी अत्री साहब पूरा कर सके, क्या लगा है? देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी समान विकास करवा रहे हैं, क्षेत्रवाद को खत्म किया है जी। मेरा ज्यादातर रुझान जो लगता है युवाओं की तरफ लगता है, युवाओं की तरफ, पानी और एजुकेशन जी। तो क्या कुछ विशेष कर सकते हैं आप युवाओं के लिए, युवाओं के लिए रोजगार के साधन हो सकते हैं, स्कूल्स में लड़कियों के लिए जैसे कॉलेज हो सकता है जी, तो युवाओं के लिए भी रोजगार के साधन उपलब्ध करवा सकते हैं जी, यही रहेगा हमारा विषय। अभी आपके उचाना में इस चीज की कमी है लग रहा है ऐसा कुछ? नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने खूब तरक्की करवाई, खूब विकास हुआ। अच्छा और कुछ क्या कुछ नई चीज आ सकती है आपके राज में, क्योंकि मैंने देखा है आपने स्कूल बड़ा इनोवेटिव माइंड से बना रखा है, चाणक्य के नाम से दो चार जगह बन रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ प्लस क्या हो रहा है जो आप पूरे हरियाणा में कर सकते हैं? हमारा ध्येय था, हमने सोचा था कि हम ग्रामीण क्षेत्र में एक अच्छी संस्था दें जिसमें गरीबों के बच्चे भी, जो लोग नहीं दे पा सकते, सुविधा नहीं मिल सकती, उनके बच्चे भी आके स्कूल में अच्छी सुविधाओं के साथ स्कूल में पढ़े। गरीब बच्चों के लिए कितनी सुविधाएं आप दे रहे हैं अपने स्कूल में? अपने स्कूल में हम लगभग कोई 300 के आसपास बच्चे मेरे पास गरीब बच्चे पढ़ते हैं फ्री में जी, BPL से कुछ बच्चे हम वैसे पढ़ाते हैं। अच्छा जी, तो आगे के और क्या कुछ प्लान है, अगर मान लो आपको टिकट मिल गई? देखिए ये विषय पार्टी विषय है ना, अगर माना मुल्तान 100 रुपए नहीं मान सकता, मैं मान सकता मुल्तान 100 रुपए नहीं मान सकता। तो मान लो अगर आपको टिकट जीत भी गए, मान लो ना प्लीज, मेरा क्वेश्चन बढ़ जाएगा, मैं नहीं मान सकता। अभी भारतीय जनता पार्टी का विषय है, मैं माफी, या तो फिर मैं इन भाइयों से पूछूंगा, वो आपका आंतरिक मामला है, आंतरिक मामला। अच्छा खट्टर साहब स्टेज पे आओगे कि वो मुझे नहीं, अभी तक कोई अंदेशा नहीं है जी, अभी मुझे कोई पता नहीं है। अच्छा जी, मेरे पास कोई सूचना नहीं है जी। जी तो आपने क्या लगा, स्ट्रॉन्ग आदमी कौन है आपने छोड़ गए? देखिए वो तो भारतीय जनता पार्टी तय करेगी कौन स्ट्रॉन्ग आदमी है, मेरे कहने से ना कहने से क्या फर्क पड़ता है? मतलब कितने की जगह लगा है कि खट्टर साहब ने ज्यादा टाइम दिया है, या और दो तीन आदमी कोई है स्ट्रॉन्ग? नहीं मतलब मैं किसी के विषय में कुछ नहीं बोल भाई, मेरी TRP कौन बढ़ा रहे, ये नाम लेवे नहीं किसी का, बात है विषय पार्टी भाई साहब बड़े स्ट्रॉन्ग दिमाग कर रखा है, कुछ नहीं करना मुझे। चलो ठीक है भाई, धन्यवाद। लोगों का शुक्रगुजार हूँ, लोग इतनी भारी संख्या में आए, माताओं बहनों को, सभी युवा साथियों को, सभी बुजुर्गों को तह दिल से धन्यवाद धन्यवाद। जय हिंद जी। तो भाई हाँ अभी पूछता हूँ भाई, अभी पूछ रहे तो भाई बड़ी कोशिश करी यार,
नहीं नहीं राजनीति सी में और थोड़ा सा मखा भाई साहब ने थोड़ा बड़ो कि मैं कटवा लिया मुंह है कोनी काटे बड़ा टेढ़ा काम हो रहा है। चलो भाई साहब, भाई राम राम। राम राम भाई साहब, क्या हाल है? ठीक ठाक मेरे भाई। अच्छा, अत्री जी के बारे में क्या कुछ पता? अत्री जी बहुत बढ़िया आदमी है, हल्के में रहा। इनके पिताजी थे चंद्रभूज अत्री जी, वो बहुत दिग्गज समाज सेवी थे। उनके अपने कदमों पर चल के पंडित चंद्रभूज अत्री के कदमों पर चल के देवेंद्र अत्री हल्के में काम कर रहे हैं। अच्छा जी जी, तब राम राम। राम राम, तब ठीक ठाक है? अच्छा, अच्छा है, अत्री ने टिकट मिल जाएगी? हाँ मिल जाएगी, मिल जाएगी, पक्की बात है। भाई नहीं, क्यों नहीं मिलेगी? मिलेगी, मान ले कौन भी मिलेगी भाई। ये भी कौन बना भाई? ये तो बन चुका भाई साहब, एमएलए बन चुका है, तो एमएलए बन रहा है। अच्छा, हां भाई, फॉर्मेलिटी सी करनी है बस। जीत जीत चुका भाई साहब, ये तो ऑलरेडी जीत चुका है, ऑलरेडी जीत चुका है। वाह जी वाह भाई, क्या कहना अपना भाई? टिकट तो जमा पक्की है। वाह जी वाह, देवेंद्र चतुर्भुज अत्री। वाह जी वाह, ये तो अब 200 जने हैं अपने बंदे, 76 स्पेशल। अच्छा, तो टिकट मिल जाएगी? टिकट तो मिलेगी, मैं तो कह दिया तो कारण में मुख्यमंत्री ने, टिकट तो तेरी है बिल्कुल। अच्छा, और तो बस, और क्या कहेगा? फॉर्मेलिटी सी करनी है, फॉर्मेलिटी तो दूसरे भाई साहब, वहां तो टिकट ऑटोमेटिक मिल गई। क्या बात है, वाह जी वाह, बैठ बंदे हैं भाई। हां तो भाई, बड़ा मजेदार सिस्टम। भाई राम राम। राम राम भाई, भाई ठीक ठाक है? ठीक ठाक भाई। अच्छा, कितनी की भीड़ हो रही है अंदर? भीड़ होगी 20,000 आदमी भाई। 20,000 होंगे अंदर? 20 तो बस तो है, 20-22 होंगे कम तक में। 20 तक कम तो है ही नहीं, थाया हो जाएंगे में घाटा सैन वीक में। घाट तो है नहीं, पब्लिक तो बदलने लगी इबे तो। पब्लिक तो बदलने लगी इबे तो, आया को नहीं आया, पास देखे पछना। मारते 7 बजे टाइम दिया गया है, और मारी मेरी गाड़ी 10 गाड़ी रह रही है। आने लगे तो गाड़ी नहीं है। 7 बजे टाइम दिया था बाद में, पहला टाइम दिया मतलब 5 बजे, अब टाइम दे रखे 7 बजे। ठीक नहीं, अब भी गाड़ी मतलब 10 गाड़ी तो रह रही हमारी पानी। अभी तो सीएम आ नहीं भाई साहब, आया पास देखे भाई साहब, ये रोड जाम हो जाएगा, रह जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी भाई। यहां देखो 2-2 किलोमीटर लग रोड जाम है, 2-3 किलोमीटर दोनों पास है। बात ऐसे है, बात ऐसे है, आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी जनसलाब कितना आया हुआ है, क्योंकि मीडिया हर एक बात को पकड़ सकता है कितनी नजर से। रही बात सीएम खट्टर की, आपको इस जनसलाब से पता चल जाएगा कि आज सीएम खट्टर क्या करने वाले हैं। ओके, चलो भाई आगे स्टेज प्लान चल लेंगे। और जगदीप जी, आप तो पूरे इलाके में घूम चुके हो आप। जी जी, भाई 2 मिनट रुक जा, कैमरा चल रहा है भाई। ले भाई, इस मैदानी जंग में तो आगे अरे सुपर काम चल रहा है। नमस्कार अंकल जी। अंकल जी कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया हूँ। ऊपर स्टेज पर चल के बात करें थोड़ी सी। हाँ जी, मेरे से। हाँ हाँ, मेरे से। ना अंकल जी, मैं भी आऊँगा, चलो सारे चलो। तो जी अब आ गए अपन स्टेज पर, और हमारे अंकल जी हैं। मैं चाहूँगा एक बार हमारे अंकल जी आ जाएं भाई। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार अंकल जी, कैसे हो आप? बिल्कुल बढ़िया हूँ मैं भाई। हमारे अंकल जी हैं बलवान दीक्षित जी, हमारे घर के लगता है मकान है, और एक फैमिली की तरह एक हमारे पिता तुल्य भाई। अंकल जी क्या कुछ है, टिकट पक्की होगी कि नहीं होगी? किस चीज का? चतुर्भुज अत्री उनके पुत्र जो हैं देवेंद्र अत्री जी, टिकट मिलेगी कि नहीं मिलेगी? देखिए आप, एक चीज बिल्कुल क्लियर है जी, कोई भी आवाज को जनता की को दबा नहीं सकता जी। और आज जैसे सीएम साहब पहुंच रहे हैं जी, जी। सीएम साहब को ये अनुभव हो जाना चाहिए कि जनता क्या डिमांड करती है जी। और जब तक जनता जो डिमांड करती है वो उसकी पूरी करना उस राजा का काम है जी। और बात आप घुमा फिरा के पूछ रहे हैं, चतुर्भुज अत्री को टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी, उनके बेटे को मतलब मिलेगी? आपको मैं एक चीज बता दूं, ये पूछने वाली बात नहीं है, ये तो अगर दो आंखें किसी को भी हैं वो तो सीएम साहब हैं। अगर दो आंख किसी को आज रखते हैं दो आंख, तो उसको सामने दिखाई देती है कि आज जनता क्या चाह रही है, ठीक है। और इस आवाज को दबाया नहीं जा सकता, ये बिल्कुल क्लियर है। और 100% जनता ये चाह रही है कि देवेंद्र अत्री हमारा विधायक हो। तो ये हमारे अंकल जी हैं, ये तरीके से बोल रहे हैं, कल सीट जीतेगा नहीं जीतेगा। तो भाई अभी यहाँ पर जब आए हैं, अगर हम स्टेज की बात करें, इतना जबरदस्त क्राउड यहाँ पर है भाई। बिघन का रखा है भाई, बिघन यार घनी दूर तक भीड़ दिखा है भाई, क्या हाल है? राम राम जी। राम राम जी, और ठीक हो जी? हाँ बढ़िया। अच्छा क्या कुछ लगा है, आज टिकट मिलेगी कि नहीं? बहुत बढ़िया, ये तो टिकट तो पार्टी का काम है, जो भी करना, हमने जो अपना काम करना था भाई, इसके
देवेंद्र जी के साथ मोमो दिखाना था, सारी पब्लिक इसके साथ है। अच्छा जी, ये दिखा दिया हमने तो, और बाकी तो टिकट देना पार्टी का काम है, किसको देगी वो तो उसका। दिखाओ पब्लिक, देखो जी पब्लिक तो मैंने दिखाई जी, बस ये पब्लिक करेगी निर्णय। अरे भी तो एक डेढ़ घंटा और है, पब्लिक आने लग रही है, खूब आने लग रही है। देखो ऐसा हो तो पार्टी का काम जी, कोई भी एक रकम पार्टी ने जो आशीर्वाद दे दिया ना इसके भाई पार है, मतलब अगर योग्यता के आधार पर तो प्राथमिकता मिल जाओगी ना। हाँ बिल्कुल, सारा देख लेगी अलका जी। अच्छा कोई कमी आपने उच्चारण में लगी हो जिन्होंने पूरी कर सके? ऐसा है सारे ही कमी है, कमी तो कमी आदोगा ठीक। अच्छा जी चलो, तो भाई बड़ा जबरदस्त कार्यक्रम यहाँ पर है, हमारे MLA साहब भी है, उनसे बात कर लेते हैं। तब तक धन्यवाद, जय हिंद भारत माता की जय।